अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि आज की वीडियो में हम लोग अपने घर का टूर करवाने वाले हैं। और हम लोग रहते हैं भैरिया टाउन कराची में, और आप लोग हमारे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये असल में यही है हमारा अपार्टमेंट। और गाइस यहाँ पे सेम टावर्स एक ही जैसे बने हुए हैं है, और एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। तो गाइस अब हम लोग अपने घर का आप लोगों को टूर करवाते हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं और मज़े में होंगे। और आज की वीडियो है इज़ ऑल अबाउट अवर होम टूर। लेकिन डायरेक्टली आप लोगों को अपार्टमेंट दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ बहरिया में रहते हुए उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यहाँ बहरिया में रहते हुए हमें 4 साल का अरसा हो चुका है, और हम अबू धाबी से जब पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे थे तो हमने कराची के बहुत से एरियाज़ को सर्च किया, लेकिन ऐसा लाइफस्टाइल हमने कराची के अभी तक किसी एरिया में नहीं देखा था। तो बस इस प्लेस को देखने के बाद राइट अवे हमने सोच लिया कि बस यही है वो जगह जहाँ हमने आकर शिफ्ट होना है। एक बेहतर लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए हमने बहरिया का रुख किया था, क्योंकि कराची के मेन सिटी में तो रहकर आप ये सब हासिल नहीं कर सकते हैं। और इस 4 साल के अरसे में बहरिया ने हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मेन चीज़ ये थी कि बहरिया ने बनाने के बाद इसको जिस तरह से मेनटेन किया हुआ है, ये चीज़ वाकई कमाल की है। बहरिया में बताओ आपको कैसा लगता है रहने के लिए? अच्छा लगता है, इतना साफ सुथरा होता है, बिल्कुल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और एक भी गंदगी नहीं होती है यहाँ। बिल्कुल हमें लगता है कि हम अबू धाबी में ही रह रहे हैं ना। यहाँ 2 टावर्स के सेंटर में एक एरिया दिया हुआ है जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ राइड्स हैं और बेंचेस हैं जहाँ पर शाम में आकर एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग रहते हैं टावर 1 में, और ये है इसकी एंट्रेंस, साथ में है ये कार्गो लिफ्ट, उसी के साथ इन्होंने नो पार्किंग का बोर्ड भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ एंट्रेंस पर इन लोगों ने डिसेबल लोगों के लिए भी पार्किंग रिजर्व की हुई है। अब हम जा रहे हैं टावर 1 के रिसेप्शन की तरफ, जहां 24 आवर कोई ना कोई एक रिसेप्शनिस्ट एनी टाइम अवेलेबल रहता है लोगों की असिस्ट के लिए। और इसी टावर में ही 2 बेडरूम अपार्टमेंट का मॉडल भी है जहां लोग एक स्पेसिफिक टाइम में आकर विजिट कर सकते हैं। यहां लिफ्ट में एंटर होते के साथ ही ये सारी गाइडलाइंस और नोटिस मेंशन हुए हैं बहरिया की तरफ से। हमारा अपार्टमेंट है 1st फ्लोर पर, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं लिफ्ट से ताकि आप लोगों को इस टावर की फैसिलिटीज से अश्योर करवा सकें। ये आ गए हैं हम 1st फ्लोर की लॉबी में, और यहाँ से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना कुछ खूबसूरत सा लग रहा है। ये पूरा सेंटर में इन्होंने पूरा पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है टावर 1 और टावर 2 के लिए। स्टेज के बाद यहाँ लॉबी में इन्होंने एक गार्बेज एरिया बनाया हुआ है जिसे काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये यूटिलिटी का एरिया बहरिया की तरफ से हर अपार्टमेंट को प्रोवाइड किया गया है, जहाँ इन्होंने गैस के सिलेंडर अरेंज करके रखे हैं, साथ में गीज़र है। रुकिए गाइस, पहले जिसने भी लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके वो बटन दबा दें, मैं वेट कर रहा हूँ। और गाइस आप लोग ये देख सकते हैं कि हर अपार्टमेंट के सामने मौजूद होता है, इसमें हमारे अपार्टमेंट का नंबर लिखा हुआ होता है, और हमारे अपार्टमेंट का नंबर है 35। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो अंदर चलते हैं। अपार्टमेंट में एंटर होते ही ये है लेफ्ट साइड पे हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम, जहाँ पे हमने वुडन शेल्फ को खुद से असेंबल करवाया हुआ है ताकि हमें इस सामान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके। और ये मैंने शॉपर होल्डर भी अपने स्टोर रूम में लगाया है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइकिया में दिखाया था। ये मैंने छोटा सा सेटअप आयरन के लिए रखा है।
एंट्री होते के साथ ही जो वॉल थी यहाँ पे मैंने लीव्स को अरेंज किया हुआ है, साथ में यहाँ एंट्री टेबल रखी हुई है और इसी टेबल के साइड में जो हमने हैंगिंग्स लगाए हुए हैं वो हमने लिए थे टर्की से, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि इसको लगाने से घर में नज़र नहीं लगती है। और इसी वॉल पर आप देख रहे हैं ये हमारा सिक्योरिटी कैमरा भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। मेन डोर के बैक पर मैंने ये लोहे कुरानी और आजल कुर्सी को पेस्ट किया हुआ है ताकि बच्चों को निकलते हुए याद रहे घर से। और ये हैं कीज होल्डर, और कोरोना के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी वो था सैनिटाइज़र, जो कि आज तक यूज़ होता है। अपार्टमेंट में एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर है ये हमारा किचन, और इसी के साथ एक एरिया है जहाँ पे आप एक छोटी सी फोर चेयर के साथ डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ इस वॉल पे मैंने थोड़ा कलर देने के लिए मैंने लगा लिए हैं वॉल स्टिकर्स। यहाँ मैं जल्दी से आप लोगों को एक क्विक सा अपना किचन का टूर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने टिश्यू होल्डर लगाए हुए हैं, वहाँ स्पाइस जार थे, ये किचन हुड लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अपार्टमेंट में इस चीज़ की, क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा नीट होती है। और ये मैंने बनाई हुई थी सवैयाँ बच्चों के लिए शाम के लिए, जो कि अभी हम थोड़ी देर में बस खाएँगे। और यहाँ पर आप लोगों को मेरे किचन में काफ़ी ज़्यादा आइकिया के भी काफ़ी आर्टिकल नज़र आ रहे होंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। किचन के बाद आता है ये सिटिंग एरिया, जिसे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं फिल किया हुआ है। यहाँ ये वॉल पे हमने एलसीडी लगाई हुई है, कोई टीवी यूनिट नहीं रखा है नीचे ताकि अच्छी खासी स्पेस मिल सके। कॉर्नर में एक शेल्फ है ये, और इस पर मैंने कुछ डेकोरेशन पीसेस रख दिए हैं। इस अपार्टमेंट में हमें दो टेरेस दिए गए हैं, एक टेरेस हमें इस सिटिंग रूम के साथ दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। इस सिटिंग रूम का ये कॉर्नर लैम्प मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इसी के साथ ये जो वॉल थी इस पे भी मैंने कलर के लिए ये एक स्टिकर लगाया है। तो गाइस पहले हम लोग अपना रूम दिखाते हैं, फिर हम अपनी मम्मा का रूम दिखाते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने ये क्लाउ मशीन से जीता था जब हम लोग अबू धाबी में थे, और ये है आरिश का और ये वाटरमेलन मेरा है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल स्टडी टेबल जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मुझे ये सबसे अच्छे रूम के पार्ट लगता है क्योंकि इसमें हम लोग अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, और आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कलरफुल है, इसलिए मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और गाइस अब हम लोग अपनी मम्मा का रूम दिखाते हैं, तो चलिए रुकिए, पहले आप लोगों ने लाइक किया या फिर सब्सक्राइब किया फौरन से कर ले। हम लोग अभी अंदर चलते, क्योंकि ये सब पूरी टेबल भरी हुई है मेकअप से, इसलिए मम्मा की ये सबसे फेवरेट चीज है। और गाइस ये जो आप लोग लाइट देख सकते हैं मम्मा की मोस्ट फेवरेट चीज है, क्योंकि हर वक्त मम्मा मेकअप करती है, इसको जला के ही करती है मेकअप। इस रूम के एक साइड टेबल पे मैंने ये फ्लावर्स अरेंज किए हुए हैं, और ये है नैपकिन्स होल्डर, और ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं ये हम लोग अबू धाबी से ही लेकर आए थे, और इस पे भी मैंने कुछ डेकोरेशन पीसेस रख दिए हैं।
और एक साइड टेबल पे मैंने ये अलार्म क्लॉक रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये साथ में है एक फ्रेम जिसमें मैंने अपने वलीमे की एक पिक्चर अरेंज की हुई है। यहाँ डोर के बैक पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र अरेंज कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, और ये इन लोगों ने यहाँ बहरिया में ख़ुद इसी अपार्टमेंट में बिल्ट इन कबर्ड्स भी दिए हुए हैं, और ये इसी के साथ है इस रूम का अटैच बाथरूम। आपको अपने अपार्टमेंट से अपना बाहर का टूर भी दिखाई गए। आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, और आप लोगों को मैं शाम का भी दिखाऊंगा कितना खूबसूरत आता है सुबह। आप क्या कर रहे हो बात? गाइस मैं सेवइयां खा रहा हूँ जो मम्मा ने बनाई थी, और मम्मा इतनी टेस्टी सेवइयां बनाते हैं आपकी सोच है। और गाइस आरएस बिस्किट खा रहे हैं, और गाइस आप लोग तो हमारे घर का टूर एंजॉय कर रहे होते, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी सेवइयां। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। टिल देन मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।